जनाब असद महमूद साहब जी, असद महमूद साहब नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। शुक्रिया जनाब स्पीकर, आज ऐवान में खुर्शीद शाह साहब की बातचीत ना करें, कल रात की गिरफ्तारी के हवाले से अपोजिशन अपना मौकफ आपके सामने पेश कर रही है। खामोश रहें, अपनी अपनी निशस्त पे बैठ जाएं, खामोश रहें, अपनी निशस्त पे बैठ जाएं। जनाब स्पीकर जी, असद महमूद साहब आपको मालूम है कि जनरल मुशर्रफ एक डिक्टेटर ने नेब के इदारे को सियासी इंतकाम के जिस तसव्वुर नेब की कल की कार्रवाई के ऊपर मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई। प्लीज ऑर्डर, खामोश रहें, अपनी अपनी निशस्त पे बैठ जाएं, अपनी निशस्त पे बैठें। जनाब स्पीकर हाउस को इन ऑर्डर करें, अपनी निशस्त पे बैठ जाएं। आसमा अदीद साहबा और बहैसियत मेंबर कौमी असम्बली यकीनन हमारे लिए ये काबिल कबूल नहीं है कि किस तरह एक इदारा पाकिस्तान के सबसे मजबूत तरीन इदारे के मेंबर को उठाकर ले जाती है और बहैसियत स्पीकर आपकी कुर्सी की जो जिम्मेदारी है वो उस तरह नहीं निभाई जा रही जिस तरह पार्लियामेंट एक बालादस्त इदारा है। नेब की सूरत हाल इस पार्लियामेंट के मुकाबले में आज ऐसा जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान में ये पार्लियामेंट बालादस्त इदारा नहीं बल्कि नेब एक बालादस्त इदारा है। जनाब स्पीकर, हमारे जो अराकीन हैं वो जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं आपको चाहिए कि इनको खामोश कराए और ये इस किस्म की जुबान न इस्तेमाल करें जिससे इस ऐवान में बदमजगी पैदा हो और हमें उसका रद्दअमल देना पड़े। हम यहाँ पर किसी के गुलाम नहीं हैं, हम इस पार्लियामेंट के मेंबर हैं और हम अपनी जिम्मेदारियां जानते हैं। अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं तो फिर जमहूरी कुव्वतों का, जमहूरी लोगों का ये रवैया नहीं होता जो रवैया इन्होंने अपनाया है। जनाब स्पीकर, इस ऐवान में आज जो खातून चीख चीख कर बोल रही हैं उनकी हम वो तकरीर भी सुन चुके हैं कि जिसमें वो इसराइल को बैतुल मुकद्दस हवाले करने की बात कर रही थी। बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान ये गवारा नहीं करता कि जिस किस्म की जुबान उन्होंने इस्तेमाल की, जिस किस्म का लब लहजा उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन हमने उनको यहाँ पर बात करने दी, उनके बात करने के दरमियान हमने रुकावट नहीं डाली ताकि दुनिया के सामने इन लोगों का चेहरा वाज़े हो जाए कि ये किसके एजेंट के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब के हवाले से मुझे कोई हैरत नहीं हुई जब इस पार्लियामेंट के सबसे मुअज्ज़ज़ रुकन
वजीर आजम जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटकाया जा सकता है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जेल में डाला जा सकता है और शाहिद खाकान अब्बासी को जेल में डाला जा सकता है महज सियासी इंतकाम पर, तो वो खुर्शीद शाह साहब को भी जेल में डाल सकते हैं। जनाब स्पीकर, एक साल के अंदर हुकूमत के इकदामात से वाज़े हो चुका है कि ये लोग न सियासी सलाहियत रखते हैं और न सियासी पार्टी इनको कहा जा सकता है। पार्लियामेंट के अंदर नेब के तर्जुमान की हैसियत से यहां पर हमसे बात करते हैं और पार्लियामेंट के बाहर नेब हुकूमत का तर्जुमान बनकर सियासी लोगों का इस्तेहसाल कर रही है। इस किस्से को खत्म करना चाहिए। अगर पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल देना है तो इस किस्म के हथकंडे जो किसी जमाने में इस्तेमाल होते रहे हैं उनको न दोहराया जाए। सही जनाब स्पीकर, हम संजीदा सियासत करते हैं, अपना मौकफ पेश करते हैं, कोई उससे इख्तलाफ करे उसको हक है, कोई उसकी ताईद करे उसको हक है, लेकिन दुनिया पर यह बात वाज़े हो चुकी है कि आज हमसे ये पाकिस्तान की बात करने को कहते हैं, कश्मीर की बात करने को कहते हैं, कश्मीर हम संजीदा तहफ़ुज़ात हैं कि हमारे वज़ीर आज़म ने कश्मीर का सौदा किया है देंगे और आपको इक्तदार से अलग करके हुकूमत पर कब्जा करने के बाद इंशाअल्लाह अवाम की ताकत से हिंदुस्तान को भी जवाब देंगे और कश्मीरियों को भी पैगाम देंगे। अमरीका जाने की बातें करते हैं, अक्वामे मुत्तहिदा में कश्मीर का मौकफ बयान करने की बातें करते हैं, लेकिन ये ऐवान भी जानता है, ये पाकिस्तान भी जानता है कि पहले और उसके बाद एजेंडा पूरा नहीं करें तकरीर करने के लिए तो, और ये एजेंडा मेरा काम एजेंडे